बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं मोहतरम अब्बास भाट साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं, कई बार तशरीफ ला चुके हैं, कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं और बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, कम से कम इवाम नहीं छोड़ते। अब्बास भाट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, सो नाइस टू नो। भट साहब, आपको मेरे साथ काम करते हुए मुख्तलिफ तरीके से मैं कितने 30 साल से ज्यादा हो गए होंगे, क्या ख्याल आपका? जी हाँ, गालबन गालबन इतनी से ज्यादा है जी। इसमें काफी अप्स एंड डाउन हमने देखे। मुझे बताएं कि आपने या मैंने कोई ऐसा काम किया हो, और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपसे पोशीदा किया हो या आपने मुझसे पोशीदा किया हो। हम जानते हैं, मैं शाम मुशावरत करते हैं, कोई ऐसा काम किया हो आपने या मैंने या दोनों मिलकर किया हो जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ हो, इसकी वादत के खिलाफ हो, इसकी ज़ाती खुदमुख्तारी के खिलाफ हो। फ्लोर इज योर्स। तो ये बड़ा लंबा सवाल है जिसके लिए आदमी काफी कुछ बोलना चाहिए तो बोला जा सकता है। बहरहाल कैसे, जहां तक मेरी याददाश्त का तल्लुक है, जिंदगी के एक अरसा गुजर गया है। पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई काम करना जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ हो, उसका मेरे ख्याल में मकसद क्या होगा, उसमें हम अचीव क्या करेंगे लोगों के खिलाफ बात करके। या तो ये कहना, हम जम्मू कश्मीर के लोग नहीं हैं खुद, या हम भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी, यानी नज़रियात अपने अपने होते हैं, हर इंसान का नज़रिया होता है। मेरे नज़दीक इलाके हिंदुस्तान का भी उतनी कीमत है जितने इलाके पाकिस्तान की है। एक अगर 10 आदमी इलाके हिंदुस्तान चाहते हैं, 9 या 12 आदमी इलाके पाकिस्तान चाहते हैं, अगर 15 आदमी खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं तो सारे जम्मू कश्मीर के रहने वाले ना, उनको राइट पहुंचता है, उनको हक पहुंचता है कि वो अपने वतन के मुस्तकबिल का क्या फैसला करें। लेकिन जहां तक हमारी जात का तल्लुक है, जो सवाल आपने मुझे किया, मुझे नहीं कोई ऐसी चीज याद पड़ती जो मैंने, हमारी बातों में भी 100% एग्रीमेंट नहीं होता था, जरूरी नहीं है। जब इंसान दो शऊर रखने वाले इंसान, दो जिंदा इंसान किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे, उसमें इख्तलाफी बात तो डेफिनेटली हो सकती, कोई 100% एक दूसरे से एग्री नहीं कर सकता, लेकिन इख्तलाफात होने के बावजूद वही एग्री टू डिसएग्री, यानी हमारा मशा से रहा है और इतना अच्छा से हम चल रहे हैं, एक जमात में भी रहे हैं, अब एक जमात में के अलावा अलग अलग जमातों में बनाए, लेकिन मेरी कोई ऐसी याददाश्त में ऐसी बात नहीं है कि हमने एक दूसरे से बदतमीजी की हो, कोई इख्तलाफ किया हो, कोई गाली दी हो। हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता उतना ही है जितना अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में होता है। मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, मैंने कहा था कोई ऐसा काम हमने किया हो जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ हो, जम्मू कश्मीर के मफदात के खिलाफ हो, या जम्मू कश्मीर की वादत के और जाति के खिलाफ। सर, इसमें देखे ना, इस सवाल का एक अपना टेक्स्ट है। एक आदमी है जम्मू कश्मीर का रहने वाला, उसे जो है इलाके हिंदुस्तान ज्यादा अजीज है, दूसरा आदमी है उसे इलाके पाकिस्तान ज्यादा अजीज है, तो जाहिर है वो दोनों जो है, जो वो आदमी है जो एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम के लिए जो दुनिया सारी जिंदगी करता है, उनमें तो इख्तलाफात आ जाएगा ना, ये बात दुरुस्त तो नहीं होगी उनके लिए। सवाल यह जो आप कह रहे हैं, अगर सिंपल इसको मैं कहूँ ना, सिंपल मुझे कोई ऐसी चीज याद नहीं आ रही है कि हम दोनों ने कम अज कम किसी ऐसी बात पर काम किया हो, कुछ कोई ऐसा काम किया हो जो हमारे वतन के लिए और हमारे वतन में रहने वालों के की आजादी और खुद मुख्तारी के किसी भी लिहाज से कोई उससे नुकसानदेह हो या नुकसान हुआ हो कभी। अगर कोई किसी को समझा को ऐसा काम हमने किया है जिसे नुकसान हुआ, तो कम अज कम मैं तो ओपन बैठा हूँ यहाँ पर, मुझे बताएं आज कि भाई मैंने कौन सा ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की आज़ादी में रुकावट बन गए हैं। ठीक है जी, मैं इसको इस तरीके से पेश करता हूँ, तो मैं तो थोड़ा मार को बात करने का आती हूँ। मैं अल्फन कहता हूँ, कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो जम्मू कश्मीर की वादत, जम्मू कश्मीर की ज़ाती खुद मुख्तारी, जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद के खिलाफ हो। ठीक, इसे पढ़कर मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी आदमी ये कहते हैं कि मैंने जम्मू कश्मीर के मफादात के खिलाफ बात की है या ज़ाती खुद मुख्तारी का मैंने उसको सपोर्ट किया, हर जगह इसको डिफेंड किया, तो अगर आगे लोगों की अपनी मर्जी है भी उसके वट एवर कंक्लूजन दे वॉन्ट टू ड्रॉ। और हम किसी को देखें ना जी, जहाँ तक ये तर्क है भाई,
अल्लाह ने बड़े बड़े पैगंबर भेजे, वो भी सब लोगों को अपने रस्ते पर या अपने मसले पर या अपने पैगाम से मुतासर नहीं कर सके, क्योंकि बिल्कुल बजाय, बिल्कुल बजाय एक पैगाम देना। हमने ये पैगाम जो है हमेशा यही दिया है, जम्मू कश्मीर ज़ात खुद मुख्तार रहना चाहिए, उसकी पहले यूनिफिकेशन एंड फॉलोड बाय खुद मुख्तारी, ठीक, यूनिफिकेशन इंडिपेंडेंस इज फंडामेंटल। उसके साथ ही ये है कि एक सेकुलर और टॉलरेंट सोसाइटी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए, मजहब सबका अपना अपना है, जम्मू कश्मीर हम सब का है, ये फंडामेंटल टू अवर कॉज है। अच्छा आगे मैं चलता हूँ कि कुछ लोग हैं जो इलाके पाकिस्तान का नारा लगाते हैं और पाकिस्तान की कश्मीरी एक जम्मू कश्मीर के लोग हैं इलाके पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है उनकी अपनी एक राय है, ऊपर जम्मू कश्मीर के वो लोग जो हैं इलाके पाकिस्तान की बात करते हुए पाकिस्तान की कश्मीरी पॉलिसी की ज़बरदस्त हमायत भी करते हैं, ठीक है उसका दिफा भी करते हैं, और जो पाकिस्तानी जिन दूसरे पक्ष में उन लोगों को आप क्या कहेंगे, क्या वो मुहिब वतन जम्मू कश्मीर के शहरी हैं? देखिए डॉक्टर, अपने वतन का बिलखसूस मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, उसमें ये सोच लेना कि इसके मुस्तकबिल या इसका जो बेहतरीन हल है जो आवाम की जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए, अगर कोई ये सोचता है कि उसको इलाके पाकिस्तान की जरूरत है, मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता है। मैं तो ओपनली इस चीज का कायल हूँ, ओपनली। जो मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी ये कहती है कि जम्मू कश्मीर का अलाक पाकिस्तान से करने से जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, अगर मेजोरिटी ये कहती है, तो जो माइनॉरिटी वाले हम होंगे हम आराम से बैठ जाएंगे, हम इमरान खान की तरह कम अज कम लॉन्ग मार्च वगैरह नहीं करेंगे। और इसी तरह मैं ये भी कहूँगा, अगर मेजोरिटी ये कहती है कि नहीं हिंदुस्तान के साथ अलाक जो है हमारे बेहतरी में है, आवाम के बेहतरी में है, तो मुझे उसमें भी कोई इतराज नहीं है। बात मेजोरिटी की है, यानी ना मैं अपना नजरिया किसी के सर जबरदस्ती थोपना चाहता हूँ या थोप सकता हूँ, ना किसी का नजरिया मैं अपने सर पर लेके मेरे सर को आके थोपे। मेजोरिटी का जो फैसला वही एक पूरा मनाल वही होगा जो मेजोरिटी का फैसला होगा। अगर मेजोरिटी का फैसला हमने अप्लाई नहीं करेंगे तो किसी भी सूरत में वो मेजोरिटी का फैसला नहीं हो सकता और ना वो बेहतरीन हल हो सकता है। तो ये जवाब दिया ना कि जो आदमी इलाके पाकिस्तान करेगा अगर मेजॉरिटी उसकी सपोर्ट करती है, दूसरे लफ्ज में मेजॉरिटी इलाके पाकिस्तान को कबूल करती है एक ओपन रिफरेंडम में, यानी इम्पार्शियल रिफरेंडम में करती है, तो आप कहते हैं कि वो अल कबूल होना चाहिए। इसी तरीके से क्या है, जो रिफरेंडम होगा या जो जो मर्जी उसको नाम दें आप, वो तो बगैर बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी फौजों के सर पर बैठा के ही होगा ना। कोई बात कर रहा हूँ कि इम्पार्शियल, टोटली इम्पार्शियल जो है ना रिफरेंडम में अगर लोग फैसला करते हैं इलाके पाकिस्तान का, तो आप कहते हैं कि वो भी कबूल होना चाहिए, अगर वो इलाके हिंदुस्तान का फैसला करते हैं वो भी कबूल होना चाहिए, और अगर मेजॉरिटी जो है खुद मुख्तार के हक में बात करती है तो वो भी सबको कबूल होना चाहिए, कबूल होना चाहिए। ये तो यही यही एक पायदार और यही एक परमानेंट हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। वो तो ठीक, वो तो हो गया भाई अगर वो हो जाता तो, लेकिन जो इस वक्त, चूंकि इस वक्त तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इस वक्त जो आदमी जम्मू कश्मीर के मफदात की बात ना करे लेकिन पाकिस्तान के मफाद की बात करे और उसके मफादात का तहफ़ करे और जम्मू कश्मीर के मफादात का तहफ़ ना करे, वो कैसे मुहिब वतन हो सकता है? यानी इस वक्त जो मसला है जो ना, वो तो डिस्प्यूटेड है ना, हर आदमी को, हर इंसान को, जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को ये अपना राइट है ना, वो उसका मुस्तकबिल कैसे सोच रहा है। अब ये पाकिस्तान के इलाके अगर बात करनी है तो हिंदुस्तान के इलाके वाले बात करने वाले भी तो मौजूद है ना उसमें, इस तरह आजाद मुख्तार रियासत की बात करने वाले भी मौजूद है उसमें। मसला यह कहने का भी ये उनका, चलो जी सियासी उनका एक विजन हो सकता है कि हमने इलाके पाकिस्तान करना, ये उनका व्यू है और इसको हम कदकर नहीं लगा सकते, ठीक। लेकिन मतलब कहने का कि जो आदमी ये कहे कि इलाके पाकिस्तान मेरा मिशन है, दूसरा कहता है कि इलाके हिंदुस्तान मेरा मिशन है, तीसरा कहता है कि मेरे खुद मुख्तार मेरा मिशन है, लेकिन क्या हुआ कि जो इलाके पाकिस्तान वाले हैं वो दूसरों को एजेंट क्यों कहें या गद्दार क्यों कहें? सर वो एजेंट वही होता है जो दूसरों को एजेंट कहता है, मेरी अपनी एक सोच है, मैंने जिंदगी में किसी को एजेंट नहीं कहा, इसलिए कि मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। अगर कोई एजेंट बनने में शौक रखता है तो वो उसकी अपनी मर्जी है। ये देखते ना, ये जो जिस तरफ आप बात को ले जाना चाहते हैं, मैं सीधी दो टोक अल्फाज में कह दूँ ना, मैंने ये इतने अवाम वाली बात पहले भी आपने जिक्र कर दिया था, मैं अवाम वाली बात नहीं छोड़ता। देखिये ना, कोई भी फैसला हलाल या आराम नहीं है इसमें। अगर ये कोई समझता है ना कि पाकिस्तान के साथ हलाक हलाल है और हिंदुस्तान के साथ अलाक आराम है या खुद मुख्तार रियासत का क्या आराम है, तो वो अपनी गलतफहमी, किसी गलतफहमी में मुबतला है असल में।
वो मेरे हैं उनके दिमागी खलिश, तो मैं कह सकता हूँ खलल है उनके दिमाग में किसी किस्म का। ये बातें करते करते, ये सुनते सुनते हमें भी 72-73 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमें कोई इसका हल नजर नहीं आया। लाखों करोड़ों जो जाने जाया हो चुके हैं, लेकिन इसका हल नजर नहीं आया। या हम लंदन में बैठ के जनाब ये फेसबुक पर बैठ के डॉक्टर साहब ये मिसाइल हल नहीं किए जा सकते। ये फेसबुक जो है ना, जिसको कहा जाता है सोशल मीडिया, ये बनाने के मकासद कुछ और से, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये हो गई है कि ये जो कश्मीरी हैं बिलखसूस, इनको ये एक खिलौना सा मिल गया है। ये खिलौने का वही काम करेंगे जो बंदर को उस तरह मिल गया था, जो उसने काम उससे लिया था। यही काम जो है ना, ये हमारे इस चीज से ले रहे हैं कि हमें ये खिलौना मिल गया। ये खिलौना नहीं है, सोशल मीडिया है, मुख्तलिफ अकसाम के सोशल मीडिया इस वक्त मौजूद है। इससे कौमें फायदा उठा रही हैं, इससे कौमें दूसरों को कायल करने की कोशिश कर रही हैं, ना कि एक दूसरे के साथ नफरतें फैलाकर एक दूसरे। इस वक्त मुझे तो ज्यादा था कि आप सोशल मीडिया की तरफ जाए ना, ये आपको पाकिस्तानी एजेंट नजर आएंगे या हिंदुस्तानी एजेंट नजर आएंगे, या हिंदुस्तानी नजर आते हैं, एजेंट का लफ्ज भी गलत है, मैं ये भी नहीं कहूंगा, उसमें या तो पाकिस्तानी नजर आते हैं या हिंदुस्तानी नजर आते हैं। उसमें कश्मीरी बहुत कम नजर आते हैं मुझे तो कम अज कम बहुत कम नजर आता है कश्मीरी, सिवाय इसके एक दूसरे का टांग खींचने का। हमारा काम क्या है इस वक्त, क्या काम हम कर रहे हैं, कौन सा, यानी दिन दिन रात रात बैठ के मैं तो लिख रहे हैं हम एक दूसरे के खिलाफ, हासिल क्या हो रहा है किसी को इसमें? मुझे बताया कश्मीर का क्या फायदा है, कश्मीर की आजादी का कहां तक तल्लक है? हम तो एक दूसरे के साथ नफरतें फैला रहे हैं जितनी भी चीजें। मैं किसी मखसूस मीडिया की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले दिनों क्या, आज से 10 साल पहले के भी मीडिया को आप देख लें, उस वक्त भी यही हालत थी। और ये दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है, एक दूसरे के साथ नफरतों में इजाफा किया जा रहा है। मैं तो नहीं समझ सकता कि ये किसी भी के बेनिफिट में है या कश्मीर काज के बेनिफिट में, या तो उन लोगों के पास और कोई काम नहीं है, निकम्मे बैठे हुए हैं, चलो जी और कोई काम नहीं है, चलो एक दूसरे को गालियां देना हम शुरू कर दे। क्या क्या गालियां देना इससे अगर मैं आपको गाली दूंगा तो आप भी मुझे गाली दे सकते हैं, उनको मसला तो नहीं है, मेरे को इतना मुश्किल नहीं है, इसके लिए PhD होना जरूरी है, आप तो वैसे भी PhD तो है। अगर मैं आपको गाली दूंगा तो आप तो मुझे गाली दे सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, कोई मसला क्या इसमें, मसला आपको हो सकता है हमारा सोशल मीडिया वैसे जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, ये होता है which can benefit community or a nation, ठीक है, ये लोगों के फायदे के लिए है। हमारी, मैं ये कहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों की बदनसीबी ये है कि क्योंकि ये इनके पास मिल गया, अच्छा आपने कहा खिलौना है, जिनके पास वो कोई काम नहीं था, जिनके बात घर वाले सुनने के लिए तैयार नहीं थे या अब भी तैयार नहीं है, उनको ये मिल गया, उनको और नहीं, तो वो बजाय इसके कि वो इसको पॉजिटिवली यूज़ करें, यानी कुछ सीखें और कुछ सिखाएं, ये काम नहीं कर रहे, वो गालियाँ दे रहे हैं, फलां एजेंट हो गया, फलां गद्दार हो गया, ठीक है। अब मसला ये कहने का कि ये क्या बात हुई कि ये लोग इन लोगों के करतूतों की वजह से, जो रियासत की 5 इकाइयाँ इस वक्त, ठीक है, और वो लोग इसीलिए यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे कि इसलिए कि वो कहते हैं कि ये लोग अपने मुसलमानों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, वो डोगरों को बर्दाश्त करेंगे, वो सिखों को, हिंदुओं को, या पंडितों को, या जो बुद्ध से उनको बर्दाश्त करेंगे। वो कहते हैं कि जो लोग इस कदर तंग नजर हैं, जो इस तरह गालियां देते हैं एक दूसरे को, मारने के लिए आते आ रहे हैं और उनको पता नहीं क्या क्या गालियां करते हैं, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो ग्रुप्स के एडमिन बने हुए हैं, वो इसकी पैट्रोनेज कर रहे हैं उसको, दे आर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू देम। ये बेसिकली कश्मीर काज की कोई खिदमत नहीं कर रहे, ये कश्मीर काज को नुकसान दे रहे हैं, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तकसीम कश्मीर के लिए राह हमवार कर रहे हैं कि ये जो मुसलमान जो है ये दूसरों के साथ नहीं रह सकते, और इसका एक ही आल है कि इसको भी तकसीम किया जाए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? पहली बात तो यह है कि हर ग्रुप के एडमिन का जो बेसिक जॉब होती है ना, जो होनी चाहिए मेरे आपने सोच मुताबिक और है भी, वो यह है कि इस किसी भी उस ग्रुप में जिसका एडमिन कंट्रोल करता हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे नफरतें फैले। लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि हम बैठ के बाज का तमाशा देख लेते हैं, यार वक्त नहीं हमारे पास होता। मैं तो ये कहता हूँ अगर वक्त नहीं है एडमिन को प्रॉपरली कंट्रोल करने का, तो उन्हें ग्रुप बनाना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने ग्रुप बनाया तो उसे कम से कम ये सबसे बेसिक चीज़ है कि तहजीब के दायरे में,
अगर जम्मू कश्मीर के मतलब आप बातें कर रहे हैं तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बजाय इसके कि कुछ जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे नजदीक आए, यहाँ इतनी नफरतें फैलाई जा रही हैं कि वो तकसीम दर तकसीम की तरफ हम जा रहे हैं, और ये तकसीम है जो जम्मू कश्मीर की तकसीम है उसमें ना इलाके पाकिस्तान वालों को फायदा होगा, उसमें ना इलाके हिंदुस्तान वालों को फायदा होगा, और ना एक आजाद खुदा रियासत के क्याम के जो ख्वाब देख रहे हैं उनको को फायदा होगा। ये तो सरासर घाटे का सौदा हम कर रहे हैं, और जानते हुए या अनजाने में ये काम हम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो कोई भी एडमैन है उसका जो भी ग्रुप है अपने अपने उसे कम से कम बेसिक रूल और रेगुलेशन ये तो इसमें से सबसे बेसिक बात ही यही है कि एक दूसरे का एहतराम किया जाए, मानना ना मानना और है, ये जरूरी नहीं है कि मैं आपकी बात से कायल हो जाऊँ या आप मेरी बात से कायल हो जाए, लेकिन एहतराम जो है वो बहुत जरूरी चीज है। सिंपल सी बात है, अगर मैं ग्रुप का एडमिन हूँ, एक आदमी कहता है कि बास पार्टनर ने चोरी की है, मेरा काम है एज एडमिन उसको पूछना कि मियाँ आपने इतना इल्जाम लगा दिया, सबूत पेश करें। वो आदमी सबूत पेश करने के लिए बजाय आए बाएं शाएं करता है, तो मेरा एज एडमिन ये फर्ज बनता है मैं बोलूँगा या बास पार्ट से माफी मांग या सबूत दे या फिर कोई और ऑप्शन ही मैं आई विल एक्सपेक्ट। True, I agree. अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हैं, बेसिकली ये नजरिया आता है कि ये एडमिन हजरात बैठे हुए हैं और ये जैसे आपने पहले कह दिया कि ये नफरतों में इजाफा कर रहे हैं, ये किसी यानी हर आदमी की क्रेडिबिलिटी को मशकू कर रहे हैं, बजाय इसके कि अगर मैं कहता हूँ ये फलाना आदमी एजेंट है तो मुझे पूछा जाए लॉ लॉ ऑफ एविडेंस। ये यहाँ पर मैं लफ्ज़ जान बूझकर गुस्से में नहीं कह रहा, जाए बेवकूफ लोग जिनको कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, इनको ये भी नहीं पता है कि लॉ ऑफ एविडेंस क्या होता है। अब ये कहते हैं जी आपने ये कह दिया ये एविडेंस हो गया, आपने एक ओपिनियन दिया, आपने ओपिनियन दिया पहले इलाके हिंदुस्तान इलाके पाकिस्तान खुद मुसाफी आपने ओपिनियन को एक्सप्रेस किया, ठीक, Yeah. तो उससे इतफाक नहीं करेंगे, ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि वो गद्दार है या ये कि आप गद्दार हैं। अगर आप इल्जाम लगाते हैं या मैं इल्जाम लगाता हूँ तो आई शुड हैव एविडेंस, ठीक है, और इस्लाम की में तो यह है कि ऐसे बंदे को कोड़े मारे जाते हैं जो एविडेंस ना दे सके। अब मुझे समझ ये नहीं आती कि ये जो एडमिट बने होते हैं कहते हैं कश्मीर की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, कश्मीर की खिदमत ही कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान नफरतें पैदा कर रहे हैं और ये जम्मू कश्मीर की तकसीम परमानेंट तकसीम के लिए रामवार कर रहे हैं। आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? 100% डॉक्टर साहब, जो हालात इस वक्त एडमिट के हैं, जो जुबान वहां पर मैंने देखी है या सुनी है, वो तो इंसान को इंसानों से दूर कर रही है, इस ग्रुप से भी दूर किया जा रहा है। ये मुश्किल से पड़ा है, कुछ चीजें पड़ी रहती हैं, लेकिन जी तो ये चाहता है भाई इन ग्रुपों को बंद ही कर दिया जाए तो बेहतर है, बजाय इसके कि कल हमें भी गुस्सा आएगा, हम गुस्से में हम वो गंदी जुबान इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं जो कम अज कम हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं है। ये तो सरासर गलत हो रहा है, और इसको जो एडमिन है अगर उनको कोई दिलचस्पी है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ या जम्मू कश्मीर की आज़ादी के साथ, बेशक वो इलाका पाकिस्तान वाले के हों, उन्हें कम अज़ कम ये जरूर सोचना चाहिए कि भाई एक दूसरे के साथ नफरतें पैदा मत करें, और जो नफरतें पैदा करें उन्हें वार्निंग दें, या तो सबूत मांगे, सबूत नहीं दे तो वार्निंग देकर उन्हें निकाल दिया जाए, ताकि जो आइंदा आने वाले उनको निश्चय हो और वो कोई ऐसा काम ना करें जो इस ग्रुप के बेसिक रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ हो। हाँ, अनलेस अगर आपका नजरिया यही है कि लोगों को तकसीम करना, तो फिर यू आर डूइंग वेरी वेल एक्चुअली, आप अच्छा कर रहे हैं, फिर कामयाबी से कर रहे हैं, करते रहे। भाई लगे यही बात आती है ना, मसला ये आता है कि इंसान तहजीब के दायरे में सवाल करता है कि आप ये बात की है आप इसका एविडेंस दें, ठीक, एक बार बर्दाश्त करता है, दो बार करता है, तीन बार करता है, चार बार करता है, पांच बार करता है, वो बढ़ बढ़ कर मामले करते हैं, एडमिन साहब खामोश बैठे हुए हैं, तो फिर आप बात को समझाने के लिए वही जुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है जो वो लोग समझते हैं, ये घटिया किस्म के लोग होते हैं जो समझते नहीं है। इंसान इंसान है ना, आखिर उसको भी गुस्सा आता है ना, उसकी भी गैरत जागती है ना। इमरान खान उसकी टीम ने हमेशा गालियां दी हैं और जो लंदन में नवाज शरीफ का जो घर है और उसका उसके बेटे का जो ऑफिस है वहां पर मुजाहरे कराते रहे, मुसलसल हमले भी करते रहे, गालियां देते रहे, ये खामोश होते रहे खामोश होते रहे, आखिर में तंग आकर उन्होंने कहा जी हम जमैमा के घर जाकर मुजाहरा करेंगे, जब एक मुजाहरे किया वहां पर गालियां दी गई तो कुछ सब कुछ बंद हो गया, जमैमा ने कहा भी ये क्या मुसीबत डाल दिया हमने, सब कुछ बंद हो गई, क्योंकि जो आदमी जो जबान समझे घटिया किस्म की जबान जो है ना वो ये जब वो बात को अच्छा नहीं लगता, जेब भी देता, लेकिन जो वो कुत्ते को भी पत्थर मारा जाता है, जब बार बार कुत्ता तंग करे ना कुत्ते को भी पत्थर मारा जाता है भी दफा हो जाओ। अब मसला ये कहने का है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग तकसीम कर रहे हैं, सोसाइटी को तकसीम कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों को तकसीम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को तकसीम कर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम ऑफ जम्मू कश्मीर है उनको ये यकीन दिला रहे हैं कि योर पॉलिसी इज राइट, कि डोंट जॉइन यूनाइटेड इंडिपेंडेंट कश्मीर, यू डोंट ट्रस्ट मुस्लिम, दैट्स व्हाट दे आर पासिंग ऑन।
सर जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, आई 100% एग्री विद दैट कि ये जम्मू कश्मीर की अवाम की कोई खिदमत नहीं है, इस मसले के हल की तरफ कोई पहल नहीं है। आपने पहले भी जिक्र किया था ना, हिंदुओं और सिखों और दूसरों से नफरत पैदा की जा रही है, ये उनसे नफरत के बजाय यहाँ तो सुन्नी और शिये में भी फर्क सफर कर रहा है, वो उनके दरमियान में नफरतें फैलाई जाए जो कि सारे मुसलमान हैं। ज्यादा बात वही है कि इंसान तंग आमद बजा मांगा, एक बार इंसान इग्नोर करता है दूसरी बार इग्नोर करता है, कि बार बार किसी की ज्यादा इग्नोर नहीं की जा सकती। जब इंसान जो इग्नोर करता है, जब वो ये ताकत भी रखता है वो दूसरे को जलील ख्वार कर सके, तो वो एक या दो बार से ऊपर नहीं। मुझ जैसा शरीफ आदमी तो मेरे एक बार भी बर्दाश्त ना करे किसी के, ना कहो ना सुनो, जो गलत गलत करे काम वो ऐसा करो कि उसके पास जिंदगी भर ना उसको माँ बाप का पता चले और ना किसी और का पता चले कि किसकी औलाद से वो पैदा हुआ है। इसलिए ये एक जरूरी चीज है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें, का अदब के दायरे में रह के बात करें। अगर आप किसी को कायल कर सकते करें, कोई ये यार कोई ड्यूटी तो नहीं है ना कि जरूरी है शिविर चौधरी को भी कायल करना, पर नहीं शिविर चौधरी कायल होता है तो खुद कायल हो जाओ, खुद भी कायल नहीं होते तो ठीक है ना छोड़ो एक दूसरे के। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है ना कि आप एक दूसरे को यानी ऐसी ऐसी गुफ्तगू करें कि इंसान शर्माए असल में, कि यार ये पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, ये अगर पढ़े लिखे लोगों का ये स्टैंडर्ड है, मैं कहता हूँ अनपढ़ों का स्टैंडर्ड क्या होगा फिर। पर सर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही ना, यहाँ पर या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को, ये जो ग्रुप है यानी ग्रुप्स में जो लोग हैं कुछ ऐसे इनको पार्टी को ऐसा लफ्ज़ी कहना चाहता, पर उन्होंने कभी जिन लोगों ने पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट किया, पाकिस्तान के कहने पर तबाही बर्बादी फैलाई, यानी आंटी उधर साइड ऑफ द डिवाइड, लोगों को मारा, औरतों को मारा, बहुत से बहुत कम कराई वहाँ पर, ठीक है। और एक आदमी तो ये भी है कि जिसने कोर्ट में जाकर तस्लीम किया कि आई वॉज वर्किंग फॉर पाकिस्तान एज ए एजेंट, ठीक। ये जो लोग हैं ये उनके बारे में बात नहीं करते जो पाकिस्तान के पे रोल पर है, जिनके यहाँ पर लंदन सेंटर था, ब्रसल सेंटर था, दूसरी जगह सेंटर बने हुए थे, अरबों के हिसाब पर वहाँ पर पैसे जाते थे, उनके बारे में इनकी जबान नहीं होती। वो जो लोग पहले भी आईएसआई की गोद में खेल कर जंग आजादी करते रहे, अभी भी कर रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं करते। उनके बारे में बात करेंगे जो आदमी पाकिस्तान के नैरेटिव को चैलेंज करेगा, जो ये कहेगा कि माय स्ट्रगल इज ऑन दिस साइड ऑफ द डिवाइड। मैं आपको शायद कोटी से आप समझे होंगे कि आप जाकर श्रीनगर के लोगों को आजाद करा सकते हैं, मुझे पता है कि मैं नहीं करा सकता, इसलिए कि मैं बिम्बर से वहां पर जाकर जंग नहीं लड़ सकता। शायद आपके पास कोई ऐसा तरीका हो या किसी दूसरे के पास हो। हमारी स्ट्रगल जो है इज ऑन दिस साइड ऑफ द डिवाइड। वो लोग अपने लाज के मुताबिक जिस तरह रास्ते समझते हैं वो जंग करें, तो इसमें इस स्ट्रेटजी में कौन सी खामी है? सर बात खामी की नहीं है, बात इसमें भी मेरी जो अपनी राय है उसमें भी वही है, अगर कोई आदमी आज सही के कहने पर कोई काम कर रहा है तो हमारे पास सबूत उसका भी नहीं है, हमारे पास राह के साथ काम करने का सबूत वो भी नहीं है, सबूत तो किसी के पास कुछ भी नहीं है, एक दूसरे सिवाय इसके काम एक दूसरे को बातें कह रहे हैं। यस अमली काम होता है, लेकिन अमली काम के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब कोई इलाके हिंदुस्तान के अंदर बात कर रहा है तो वो राह के साथ ही जरूरी है। भाई वो जहनी तौर पर तो कायल हो सकता है ना कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल इस तरफ बेहतर है बजाय उस तरफ के, बिल्कुल इसी तरह जो इलाके पाकिस्तान वालों का भी है। हम सोचा जा सको, जरूरी नहीं है कि वो आईएसआई के कहने पर ही आके उन्होंने इलाके पाकिस्तान का नारा लगाए, ये नारा का अरसे से लगाया, कहीं आए नारे लगाए मार के खप के चले भी गए, लेकिन ना इलाक हो सका और ना इलाकों के चांसेस हमें नजर आ रहे हैं। मसलन ये ठीक है, अभी कुछ लोग जेन्युइनली इलाके पाकिस्तान चाहते होंगे, ठीक है, लोग जेन्युइनली इलाके हिंदुस्तान चाहते होंगे, बिल्कुल, और खुद मुख्तार वाले भी जेन्युइनली खुद मुख्तारी हैं, कुछ उसका खराब भी हूँ, मैंने क्या था वो इसी तरह इलाके पाकिस्तान वाले। लेकिन ये क्या बात है, ये कौन सी लॉजिक है कि जो डिक्लेयर पाकिस्तानी एजेंट है या कभी भी कहते हैं हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, वो तो बड़े मुस्तनद और बड़े काबिल एहतराम माने जाते हैं, जिनके बारे में वो कहें कि हम पाकिस्तानी नैरेटिव को पूरी करते तो उनको कहते हैं एजेंट बन के, ये क्या लॉजिक है? अभी क्या पाकिस्तान का एजेंट होना कोई खुश नसीबी या कोई फख्र वाली बात है? सर जो तो जिस तरह आपने फरमाया ना कि जो नॉन हैं इलाके पाकिस्तान वाले, वो अगर नॉन है तो फिर उनको साबित करने की हमें तो जरूरत नहीं है ना, वो किस कैटेगरी में आते हैं वो आप बेहतर जानते हैं ना, तो वो किया जा सकता है ना कि साबित करने की जरूरत महसूस होती है जब ये नॉन न हो तो। नहीं, मेरा मतलब ये कहने का कि ये जो तनकीद करने वाले हैं उस तरफ रुख क्यों नहीं करते, क्या उनका पे मास्टर नाराज हो जाता जो आप अपने लोगों पर तनकीद करते हो, ये बात भी हो सकती है ना। देखिए पता नहीं क्या मजबूरियां हो,
हाँ मजबूरी इंसान की आपने अपनी मजबूरियां, आप देखें ये शहबाज गिल साहब वापस आए हैं, जो उनको मिली है जमानत, अब खामोश हैं, आप पता उनके क्या मजबूरी है, क्यों खामोश हैं, कुछ कुछ तो बातें होती ही है ना। सारी बात को समेट दिया, क्या पता है जो बेचारे सोशल मीडिया पर उछल कूद कर रहे हैं, क्या पता उनकी क्या मजबूरी है, हम वी लिव हर दैट हर हर इंसान की, हर जो है सियासतदान की या सियासी वर्कर की कोई ना कोई मजबूरियां तो होती हैं यहाँ पर, तो बरसा, उन और बिलीव दैट थैंक यू फॉर योर टाइम, क्योंकि मैंने भी शायद आपको बहुत शॉर्ट नोटिस दिया था और आप तशरीफ ले आए, नहीं, आपने कापक तो मुझे आपने आके ये आप बताया कापक तो आपने मुझे ये आप बताया किस टॉपिक को मन में बात करनी है। देर में कहूंगा बस बहरहाल मास्क सर, लगा, सिंपल सी बात है, आप इसको बंद कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सेकंड के लिए सुन लूंगा। मेरे और आपकी लड़ाई में या दो कश्मीरियों की लड़ाई में फायदा कश्मीरियों का नहीं होगा, हिंदुस्तान का हो सकता है, पाकिस्तान का हो सकता है, कश्मीरियों का। वैसे कश्मीरी, कश्मीरी से मुराद मेरे जम्मू कश्मीर के रहने वाले वो लोग, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान, सारा उसी में आ जाता है। हम दोनों की लड़ाई में किसी भी तीसरे फरीक का अगर फायदा हो सकता है तो वो कश्मीरी नहीं होगा, वो फ्रीक या हिंदुस्तानी होगा या पाकिस्तानी होगा। लिहाजा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अदब के दायरे में रहते एक दूसरे डिस्कस करें, डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अदब के दायरे में, इंसानों के दायरे में। अगर हम अपने डॉक्टर, अपने नाम के साथ डॉक्टर और पीएचडी और क्या क्या लगाते हैं, तो कम अज कम हमें उसकी इलाज जरूर रखनी चाहिए। कर दिया। अच्छा ये बता दें आप इस खुदा आप ये पहले भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बातें मैंने सवाल बादशाह से पूछे इनको पता भी नहीं था, शॉर्ट नोटिस पर आए, मैंने अभी उनको बताया कि क्या सवाल है। अभी चूंकि डिग्री का भी आपने बात कर दी है, वैसे बताएं आपने मेरी डिग्री है पीएचडी की वो आपने देखी है? पहली बात है कि मेरे मुझे याद है कि मैंने आपको उसकी थीसिस की कॉपी भी दी हुई है बुक फॉर्म में, और बिल्कुल जनाब, मैंने देखी थी, मैंने हमारे जो एक डॉक्टर साहब है, मैं नाम नहीं जान लूंगा, उन्होंने मुझसे प्राइवेटली पूछा था, मैंने कहा जी मैं बिल्कुल देखी है, उन्होंने मुझे फिर कंफर्म किया था कि अगर आप इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं आई विल एक्सेप्ट इट। हालांकि उन्हें इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, कौन से उन्होंने कोई जवाब देनी है या कोई और कोई जरूरत पड़ गई या किसी चीज़ की, कोई ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था और मैंने कहा था यस। ये मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से, जहाँ जिंदगी में बहुत कुछ इन गुनाहगार गुनाहगार आंखों ने देखा, वहां डॉक्टर सुमित चौधरी की डिग्री भी देखी थी। की कॉपी आपने देखी है, जी और आप अकेले नहीं थे, दो आदमी और भी थे साथ। जी अच्छा आप मसला ये कहने का, मैंने किसी आदमी से बात की ना तो उसने कहा यार क्या पता आप ये जो लोग आप क्या आपकी डिग्री की कॉपी मांग रहे हैं, शायद वो अपनी बहन या बेटी की शायद रिश्ता देना चाहते हो, समझ रहे होंगे कोई आदमी पढ़ा लिखा पीएचडी मिल जाए। तो मैंने छोड़ें उनका डॉक्टर साहब, छोड़ें, आपने, आपको सूट नहीं करती ये बात, छोड़ें। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने उस आदमी ने कहा और गलत बातें कोई क्या करे ना तो सूट, आपको आपको नहीं सूट करे ना, आपकी पर्सनालिटी पर सूट करती है ये बात, और ना ही आपकी तालीम का मायार जो है या स्ट्रगल है जो जम्मू एंड कश्मीर, उसमें ये बात आपको सूट ही नहीं कर रहे, इसको छोड़ दें, कोई कह रहा है तो वो कहने दें उसे, क्योंकि मेरी बात वो आपके या हमारे कंट्रोल में तो नहीं है वो। आपने मेरी बात पूरी खत्म नहीं होने दी ना, ये किसी जी ने जी कहा कि शायद ये बात हो, जी आपने उसको टोक दिया, मैंने कहा ये बात नहीं है, उनका कोई एजेंडा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं, मैंने कहा कि एक मेरे दोस्त ने कहा कि ये बात है हो सकती है, तो मैंने कहा भी आप उसको तंजन कह रहे हैं लेकिन मैं नहीं समझता कि ये बात है, उनका एजेंडा कुछ और है। वैसे मैं इतना भी जानता हूं कि हमारा करीबी तल्लुक भी है, कि जो है वेरी मैरिड हैप्पी लाइफ, सो कोई ऐसा ऐसा मसला तो कोई ऐसा मैंने नहीं सुना कभी आपके मुंह से, कोई जरूरत हो रही है किसी दूसरी शादी की। नहीं मैं इस प्रोग्राम को किसी तरह की ना तो मुझे एडिट करना आता है ना मैं करूंगा, एज इट इज जाएगा, जिसको पसंद है तब भी, जिसको नहीं पसंद तब भी। नाजी साहब ने बातचीत सुनी, वो सारी की सारी जो बातचीत है ना भट्ट साहब ने पहले डिस्कस की ना मैंने की, इसी को ये सारे सवाल आए हैं जो कि भट्ट साहब ने कहा बहुत सी चीजों से मुझे खराब हो सकता है, मेरी बातों से भट्ट को खराब हो सकता है, लेकिन दिस हाउ वी हैव डिस्कस्ड इट, और जो बात मैंने आखिर में की है जिसने मैं भट्ट साहब ने कहा कि आप मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा था कि ये मैं कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था उस आदमी ने कहा, तो मैंने उसको ये जवाब दे रहा था, भट्ट साहब ने कहा कि मुझे सूट नहीं करता, आई एग्री विद यू कि मुझे इस तरह की बातें करने जेब नहीं देता, आई एग्री आई लिव विद दैट, मेरे तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।